इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा। जांच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं, उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं। देवों की नगरी उत्तराखंड इस समय भर्ती घोटाले को लेकर चर्चा में है। ये पहला ऐसा मौका है जब किसी भर्ती घोटाले को लेकर एक बड़ी कार्रवाई की गई है। दरअसल विधानसभा अध्यक्ष ने बड़े तेवर दिखाते हुए अवैध रूप से हुई सभी भर्तियों को रद्द करने की सिफारिश की है। विधानसभा में बैक डोर से हुई भर्तियों का ये मामला पिछले काफी लंबे समय से सुर्खियों में रहा। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूड़ी ने कहा कि मैंने कहा था कि युवाओं को निराश नहीं होना है और मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि मैं प्रदेश के युवाओं की आशाओं पर खरी उतरने का प्रयास करूंगी। 5 प्रतियोगिता परीक्षा शासन को रद्द करनी पड़ी है और उनकी गिरफ्तारियां भी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय में नियमों प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए इस एजेंसी का चयन किया गया है। इसमें अनेक वित्तीय अनियमितताएं भी पाई गई हैं। उपलब्ध जानकारी के अनुसार इस एजेंसी को बिल प्राप्त होने के 2 दिन के अंदर बैंक से 59 लाख रुपए का भुगतान भी जारी कर दिया गया था, जिसमें विधानसभा सचिव की भूमिका भी संदेहास्पद पाई गई है। इस परिपेक्ष में विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह निर्णय लिया है कि इन 32 पदों पर हुई परीक्षाओं को निरस्त किया जाएगा तथा एजेंसी की भूमिका की जांच की जाएगी तथा नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मैंने यह भी निर्णय लिया है कि इस पूरे प्रकरण में विधानसभा सचिव की संदिग्ध भूमिका की जाँच की जाएगी। जाँच पूरे होने तक श्री मुकेश सिंघल को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है, तत्संबंधी आदेश जारी किए जाएंगे। वहीं इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि आगे से जो भी भर्तियां होंगी उनमें पूरी पारदर्शिता अपनाई जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि ये काफी अच्छा फैसला है। उनकी सरकार जीरो टॉलरेंस की सरकार है और कहीं पर भी अगर कोई भ्रष्टाचार का मामला सामने आता है तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, मैंने विधानसभा अध्यक्ष से पूर्व में ही अनुरोध किया था कि जो भी विवादित नियुक्तियां हैं, भर्तियां हैं, उनकी जांच करवाएं और जांच करवाने के बाद जो भी भर्तियां गलत पाई जाती हैं उनको निरस्त करने की कार्रवाई करें। मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद देता हूं कि जो हमारी सरकार की माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश के अंदर नीति है, पारदर्शिता की नीति, सुशासन की नीति, उस पर आगे बढ़ते हुए आज ये सभी भर्तियाँ निरस्त करने का जो निर्णय लिया गया है उसके लिए मैं विधानसभा अध्यक्ष जी का धन्यवाद करता हूं और आगे भविष्य में विधानसभा के अंदर होने वाली सभी भर्तियां पारदर्शिता तरीके से हों, व्यवस्थित तरीके से हों और एक नियम और नियमावली के आधार पर भर्तियां हों, उसके लिए हम आगे इसका पूरा खाका तैयार करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा में हुई नियुक्तियां रद्द किए जाने पर नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने भी विधानसभा अध्यक्ष के फैसले का स्वागत किया और कहा कि उम्मीद की जानी चाहिए कि उत्तराखंड के अंदर जिन भर्तियों में घोटाला हुआ है उनमें भी उतना ही तेज कार्रवाई होगी। तो जैसा मैंने कहा कि माननीय अध्यक्ष विधानसभा एक संस्था है, उसके निर्णय पर हम कुछ भी नहीं कहेंगे, लेकिन जो निर्णय आया है वो स्वागत योग्य है और मुझे विश्वास है कि जो अन्य भर्तियां, जो घोटाले अधीन चयन सेवा आयोग प्रमुख रूप से और जो विभिन्न संस्थाओं द्वारा, कम एजेंसीज द्वारा जो नियुक्तियां लगातार भर्तियां होती रही, उसमें जिस गति से जांच चल रही है SIT के द्वारा, विजिलेंस के द्वारा, संदेह पैदा करता है। भर्ती घोटाले को लेकर विधानसभा अध्यक्ष के फैसले से पहले राजनीतिक सरगर्मियां तेज थी, अब सभी के सुर बदलते देखे जा रहे हैं। दूसरी ओर इस पर एक और सवाल उठता दिख रहा है कि आखिर जिन नियुक्तियों को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने वैध करार क्यों दिया था और अब इन नियुक्तियों को रद्द क्यों कर दिया गया। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला और हल्द्वानी से तारा जोशी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।